हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आईबी व्लॉग्स वंस अगेन। आई होप आप लोग कुशल मंगल होंगे। अभी मुझे जाना है बाहर, कॉपलर के पास जाना है, और भी थोड़ा छोटे छोटे काम है उसको भी पूरा करना है। और तो बहुत बढ़िया है यहाँ क्लाइमेट, मुझे लग रहा है अभी बारिश होने वाला है। ऐसा हुआ है, क्लाउडी टाइप क्लाइमेट हुआ है यहाँ। देखते हैं क्या होता है आगे। बाकी मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ क्लाइमेट के बारे में, क्योंकि वो ऐसा है ना कि मतलब मिनटों में बदल जाता है। ठीक है, तो कुछ भरोसा नहीं है उसके ऊपर। तो अभी चलते हैं हम लोग मार्केट की तरफ। आज मैं अपने मार्केट में नहीं जाने वाला हूँ, दूसरे मार्केट में जाने वाला हूँ जो है आरटी नगर। आरटी नगर में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगता है वो वाला मार्केट। मार्केट भी बोल सकते हैं और स्ट्रीट भी बोल सकते। ठीक है, काफ़ी अच्छा स्ट्रीट है वहाँ। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। स्पेशली स्ट्रीट है तो ऑब्वियसली वॉकिंग करते जाऊंगा स्ट्रीट पर, और देखते हैं मिलते हैं आप लोगों को आरटी नगर में। सो गाइस, अभी मैं पहुंच गया हूं आरटी नगर, और आपको दिखाता हूं मेन आरटी नगर का सिग्नल और बस स्टॉप दिखाता हूं। साथ में मैं लद्दाख से बिलोंग करता हूं, तो वहां पर जो फेमस बैंक है जम्मू एंड कश्मीर बैंक, J&K बैंक, और भी बहुत सारे बैंक्स होता है वहाँ, जैसे कि SBI होता है, प्राइवेट सारे बैंक्स होता है। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक भी यहाँ है, जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये है गाइस आरटी नगर का सिग्नल। जब भी आपको आना है हेब्बाल की तरफ से, तो यहाँ से स्ट्रेट आएंगे और आपको उतर आ जाएगा यहाँ, या तो अंदर एक और स्टेशन है वहाँ, या तो वहाँ पर और एक स्टेशन है वहाँ उतराया जाएगा, ड्रॉप करेंगे इन द सेंस। तो यहाँ पर मेन जो आरटी नगर का सिग्नल है, और यहाँ से आगे जाएंगे तो शिवाजी नगर, साइड में जाएंगे तो कौन सी जगह आता है वहाँ पर लिखा है बोर्ड पर, कौन सा ना, गंगानगर और सुल्तान पालिया। अगर लेफ्ट जाएंगे तो, राइट जाएंगे तो बोर्ड पर लिखा हुआ है यहाँ से शायद, हाँ स्ट्रेट जाएंगे तो कंटेनमेंट जोन भी आता है, जो कि एक रेलवे स्टेशन भी है। तो ये है आरटी नगर का। तो आगे हम लोग जाके वॉकिंग करेंगे, और जो मैं बता रहा था जम्मू कश्मीर बैंक, वो है जस्ट इसके सिग्नल के पास। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा भी है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। हालांकि मैं भी इनका एक कस्टमर हूँ, तो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आगे जाके देखेंगे, और पास में सिग्नल के जस्ट पास कॉबलर है, जिस पर अभी मैं कर रहा हूँ, मैंने दे दिया है जूता सिलाई के लिए, तो अंकल कर रहे हैं सिलाई। शायद पूछना पड़ेंगे कि वीडियो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। कॉबलर के जस्ट पीछे एक बड़ा सा ग्राउंड है, जिसको बोलते हैं HMT ग्राउंड। अभी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, ऑब्वियसली अभी डार्क है, अभी नाइट टाइम है, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। तो ये एक बड़ा सा ग्राउंड है, इसको HMT ग्राउंड बोलते हैं, और यहाँ पर ज़्यादातर लोग खेलने आते हैं, बच्चे जो भी हैं खेलने आते हैं, और यहाँ पर कभी कभी लोकल एग्जिबिशन भी होते हैं। मैं खुद आया हूँ एक लिए, लोकल एग्जिबिशंस भी होते हैं, और भी कैंपेन्स होते हैं, पॉलिटिकल कैंपेन्स या रिलीजियस कैंपेन्स। हालांकि यहाँ पर ईद का नमाज भी होता है ना, एग्जैक्टली यहाँ पर ईद का नमाज भी होते हैं। तो ये है इन HMT ग्राउंड। अभी मेरा सिर्फ हाथ नज़र आ रहा होगा, ग्राउंड सही से नज़र नहीं आ रहा है, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं बस थोड़ा लेट हो गया, तो मैं लेट हो गया। तो अभी अंदर जाके देखते हैं। आज गणेश चतुर्थी भी है, तो आप सबको बधाई हो इस मौके पर। आज गणेश चतुर्थी है, तो यहाँ पर बहुत सारे जो बनाने लीव्स है उनका उसका सेल हो रहा है पूजा के लिए। HMT ग्राउंड का मेन गेट है, यहाँ से इंटर होता है। अरे यार, एक तो ना वो क्या बोलते हैं उसको, लाइट भी उन्होंने ऑन नहीं किया है, ग्राउंड लाइट। तो यहाँ पर बहुत सारे वेजिटेबल्स के ठेले लगे हुए हैं, ये देख लो यहाँ फ्रूट्स, तो भाई मस्त। आगे बहुत रश है, आज गणेश चतुर्थी का बहुत रश है, और फ्रूट शॉप्स है यहाँ पर। यहाँ पर एप्पल, सीताफल और बनाना, और यहाँ पर पूजा के लिए फूल है, पत्ते फूल अलग अलग वैरायटीज़ के यहाँ पर भी है यार कॉपलर, तो मुझे पता नहीं था।
यहाँ पर भी बहुत सारे वैरायटीज़ के फूड ये हैं, फूल से यहाँ पे मूर्तियाँ हैं अलग अलग वैरायटीज़ के, और यहाँ पर भी अलग अलग वैरायटीज़ के मूर्तियाँ हैं। ये शायद खुद से बने हुए हैं, शायद मिट्टी से बने हुए हैं। हाँ, अरे भैया कुछ सेल कर रहे हैं। सही है यार, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। ये हम आप लोगों को दिखा रहे हैं आरटी नगर से, बहुत सारे फ्रूट्स यहाँ पर है और बहुत भीड़ है आगे। स्टार्ट होते हैं आरटी नगर का स्ट्रीट, और यहाँ पर हमारे पास पोपाइस, मैकडी, बहुत सारे फूड रेस्टोरेंट्स है, और भी आगे दिखाता हूँ। अभी मैं व्लॉग करते करते जा रहा हूँ। सबसे नियरेस्ट स्ट्रीट जहाँ आपको फैमिली के साथ या फ्रेंड के साथ खाने पीने के लिए या वॉकिंग के लिए जाना है, तो वो है आरटी नगर स्ट्रीट। इतना बढ़िया, यहाँ पर रात को भी देखो कितना बढ़िया, यू नो, लाइटनिंग सेटअप से, मतलब शॉप के लाइट से ऐसा लगता है, अलग ही वाइब है यहाँ पर। लोग यहाँ का लोग देखे और यहाँ का जो ट्रैफिक देख के अलग ही वाइब आता है, और हर बहुत सारे यू नो सर्विस प्रोवाइडर है यहाँ, बैंक से लेके, रेस्टोरेंट से लेके, फिनांस रिलेटेड बहुत सारे यहाँ के सर्विस प्रोवाइडर है। हालांकि मोबाइल यू नो शोरूम्स भी है यहाँ, ओप्पो के है, सैमसंग के है, और क्लोथ्स की भी बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे यहाँ। आगे मैं आपको दिखाता हूँ बहुत सारे क्लोथिंग ब्रांड और फूड कोर्ट, पीछे जो मैंने पोपाइज और मैकडी दिखाया, उसके अलावा हमारे पास वहाँ केएफसी है और लोकल रेस्टोरेंट भी है खाने के लिए। बहुत फेमस रेस्टोरेंट यहाँ पे है अल्बेक, एम्पायर, और बहुत सारे स्ट्रीट फूड भी है, और लोकल क्लोथिंग ब्रांड्स भी यहाँ है इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर्स के। यहाँ दूसरा छोटा सिग्नल आ जाता है, और उसके पास में आप देख सकते हैं कितने सारे ब्रांड्स हैं जो कि अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं और जिनके पास अच्छे खासे प्रोडक्ट्स है। और यहाँ पर आरटी नगर में ज़्यादा ड्राई फ्रूट के शॉप्स भी आपको दिखाई देंगे। और पास में हमारे पास है विष्णु गार्डन, जो कि प्योर वेज रेस्टोरेंट है, वहाँ पर प्योर वेज खाना हमें सर्व कराया जाता है। हमारे पास है यहाँ पर HDFC बैंक, और जिमनाजम के लिए हमारे पास यहाँ पर जिम्स भी है, और आगे बढ़ते बढ़ते पंतलूंस भी आ गया, और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाते हैं KFC। पास में यहाँ पर मैंने थोड़ा यू नो शूट किया था, इस एरिया में एक व्लॉग में मैंने शूट किया था थोड़ा सा। और पास में नाटी स्टाइल, हमारे पास लोकल रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं, रेस्टोरेंट्स तो नहीं बोलेंगे बट ठेला टाइप का आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं KFC है, और उसके ऊपर भी है जिम। ओके, तो नाटी स्टाइल वैसे होता क्या है, नाटी मतलब लोकल देसी होता है ना शायद, जहाँ तक मैंने सुना है। और उसके जस्ट लेफ्ट साइड में हमारे पास और भी एक ब्रांड है, मैक्स, जो कि क्लोथिंग का ब्रांड है, काफ़ी सेक्सी ब्रांड है जहाँ तक मुझे पता है। और उसके नेक्स्ट पड़ता है बाटा। बाटा किसको नहीं जानते यार, शूज़ के लिए तो काफ़ी पॉपुलर है। ये आ गया हमारे पास बाटा, और देख सकते हैं कितना मस्त बढ़िया सा इनका स्टोर है बाटा का। और अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आता है एक्सिस बैंक, और उसके जस्ट अपोजिट है टाइटन का आई शोरूम, आई प्लस। चलो आगे बढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे तो देखते क्या आते हैं। तो यहाँ से हम निकल चुका है, और पास में हमारे पास आता है वैन हुसैन, यहाँ पर आप देख सकते हो वैन हुसैन। और आगे आ गया हमारे पास मुफ्ती, जो कि अगेन एक क्लोथिंग ब्रांड है। और इसके बाद आते हैं हमारे पास जो कि कच्छे का ब्रांड है, और आगे देख लीजिए आप प्रेस्टीज भी है, और पास में इंडियन ऑयल, जो बाइकर्स है, जो राइडर्स से, ड्राइवर्स से, उनके लिए भी यहाँ पर इंडियन ऑयल है। और ऊपर फिर से जिम आ गया यार, यहाँ पर कितने क्लोथिंग ब्रांड्स और कितने जिमनेजम के लिए शोरूम्स और रेस्टोरेंट्स से, क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत मज़ा आने वाला है यार। यहाँ पर है हमारे पास लिबर्टी, और यहाँ पर लेंस कार्ट भी है, सॉरी दिखाना भूल गया। और यहाँ पर आ गए शवामा,
और ये, हाँ ये है लेंस कार्ट के शोरूम। और आगे जाएंगे तो ये कौन से और आगे जाएंगे तो आपको दिखाई देंगे मान्यवर। मान्यवर सारी जो ट्रेडिशनल क्लॉथ है उसके लिए काफ़ी पॉपुलर है। ये शायद वो विराट कोहली इसको एडवर्टाइज करते हैं जहाँ तक मुझे पता है। और पास में और एक रेस्टोरेंट है न्यू कढ़ाई, जो वेज नॉन वेज दोनों है। और इस साइड भी लोकल क्लॉथिंग शॉप है और शवामा शॉप भी है। और अभी आगे जाएंगे, देखेंगे क्या क्या है। मैं एक स्टोर में आया हूँ मास्क खरीदने के लिए, जो कि मुझे काफ़ी ज़रूरत होते हैं। यूजुअली जो मास्क होते हैं यूजिंग थ्रू मास्क वो 10 रुपीज़ का आते हैं, बट यहाँ पे मुझे डिस्काउंट मिल रहा है और मुझे मिल रहा है पर पीस 3 रुपीज़ में। बट आपको उठाना होगा थोड़ा ज़्यादा पीस, 10 पीस से थोड़ा ज़्यादा पीस उठाना होगा। तो मैं वो मास्क खरीदने आया हूँ और उसके बाद हम बाहर जाके जूता ले लिया है कॉपलर के पास से और देखते हैं क्या खरीदना है, उसके बाद हम जाते हैं घर वापस। वो मास्क जो कि मैं ख़रीदने जा रहा हूँ काफ़ी सही लगते हैं मुझे, ब्लैक कलर के भी है ऑब्वियसली, तो काफ़ी मुझे ब्लैक कलर पसंद है और का प्राइस भी काफ़ी बढ़िया है तो इसलिए ख़रीद रहा हूँ। तो गाइस अभी मैंने ख़रीद लिया ये मास्क, ये पर पीस 10 रुपीज़ में पड़ते हैं बट यहाँ मुझे पड़ा है 3 रुपीज़ में। अगर आपको भी चाहिए तो कमेंट कर दीजिए और मैं आपको उसका एड्रेस बता दूँगा। और ये आपको सिर्फ बैंगलोर में ही मिलेगा, आउट ऑफ बैंगलोर आई थिंक नॉट पॉसिबल। तो अगर आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। सो ये था गाइस आरटी नगर से व्लॉगिंग आप लोगों के लिए। तो आज का व्लॉग यहीं पर हम लोग दी एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी IB व्लॉग्स, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय। और शेयर सब्सक्राइब लाइक कर देना दी IB व्लॉग्स को, शेयर करने तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। ओके, बाय बाय।